हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम बनाएंगे जगन्नाथ सुभद्रा एंड बलराम का पेंटिंग। तो अब दिख ही रहे होगा आपको, तो ये रहा पेंटिंग। ये जगन्नाथ जी हम यहाँ बनाएंगे और सुभद्रा को हम यहाँ बनाएंगे मिडिल पोर्शन में। मैं पहले से ही मेजरमेंट लेके रखे है ड्राइंग में। और देखो, बलराम को यहाँ बनाएंगे, तो स्केल से मेजरिंग करके रखा हूँ, तो आप देख ही सकते हो। ऊपर वाला जो हिस्सा आपको दिख नहीं रहा होगा, पेज बड़ा है, ठीक है। मैं ये बना रहा A4 साइज में बना रहा हूँ। ऊपर वाला जो मंदिर है वो ऊपर का पोर्शन में बनाऊंगा, ठीक है। अभी व्यू इतना ही मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि तीनों ड्राइंग मेरे को करना है और ये ड्राइंग करने में मेरे को टोटल लगे है 1 आवर ये ड्राइंग करने में, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी में बना दिया ड्राइंग। उतना ज़्यादा टॉप ड्राइंग नहीं है ये, जगन्नाथ जी का पेंटिंग बहुत ही ईजी रहता है, आपको पता ही होगा। तो मैंने देखो मैंने कैसे कैसे ड्राइंग किया है, आप ज़रा देखते जाइए। तो ये वाला ड्राइंग मैं हैंडमेड पेपर में बना रहा हूँ, वाटर कलर करूँगा ये वाला ड्राइंग को। तो मैंने पेंसिल्स को बहुत सी लाइट पकड़ के ड्राइंग को किया है, ठीक है। धीरे धीरे एकदम मेजरमेंट करके कहाँ कहाँ पे है, और एकदम फ्री हैंड मेथड में ही किया है मैं ये ड्राइंग, कोई ग्राइंड मेथड नहीं। बस एक मेजरमेंट लिया है स्केल से कि यहाँ पे जगन्नाथ जी होगा, यहाँ पे सुभद्रा जी और यहाँ पे बलराम। तो ये मेजरमेंट बस ले लिया मैं, कहाँ पे क्या क्या होगा, बस ऐसे मेजरमेंट। कोई ग्रिड मेथड का इस्तेमाल मैंने ये ड्राइंग में किया ही नहीं। तो मैं थोड़े थोड़े करके डिटेलिंग भी डाल रहा हूँ, जो कि ज्वेलरी वगैरह है। जो मैं रेफरेंस फोटो देखे कर रहा हूँ वो एकदम मैं पाई टू पाई एकदम कॉपी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा मेरा हिसाब से भी बना रहा हूँ, जैसे ज्वेलरी वगैरह हो गया, डिटेलिंग वगैरह हो गया। ज़्यादा डिटेलिंग मैं ड्राइंग में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये एक्रेलिक पेंटिंग नहीं करूँगा और मैं ये पेस्टल पेंटिंग नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे करूँगा वाटर कलर पेंटिंग। वाटर कलर पेंटिंग में ज़्यादा डिटेलिंग अच्छा नहीं लगता, तो करोगे अच्छा भी लगेगा, थोड़ा रियलिस्टिक होगा। तो मैं यहाँ पे वाटर कलर करते वक्त थोड़ा डिटेलिंग कर दूँगा। बाकी मैं सुभद्रा जी को बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ, आप देखते जाइए। सुभद्रा जी थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, जगन्नाथ या बलराम से थोड़ा छोटा होता है साइज में। तो मैंने थोड़ा नीचे से बनाया और यहाँ पे मेरा जो ये जो फेस था थोड़ा लंबा हो गया था, तो मैंने इरेज करके उसको सही कर दिया। तो मैंने कुछ आर्ट मटेरियल्स ख़रीदा है, ठीक है, उसका वीडियो मैं लिंक में दे दूँगा, ठीक है। वीडियो बनाया भी है, तो वो वीडियो आप अगर अच्छा लगे तो देख लेना, ठीक है। अगर आपका आर्ट मटेरियल अनबॉक्सिंग ये वीडियो अच्छा लगे तो आप देख भी सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और मैंने कुछ पेंसिल एंड कलर पेंसिल ख़रीदा है, और कलर पेंसिल का जो मैं कम्युनिटी पोस्ट डाला था उसका वीडियो जल्दी ही आएगा, आप लोग ज़रूर उस वीडियो को सपोर्ट करना, मैं कुछ ही दिनों में बना लूँगा। और मैंने रिसेंट आर्ट लाइन का पेंसिल भी ख़रीदा है, तो मैं ये फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाला हूँ आर्ट लाइन का पेंसिल। इस ड्राइंग में भी आर्ट लाइन का पेंसिल का मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप देख ही सकते हो। तो सुभद्रा जी लगभग कम्प्लीट हो चुका है, अभी मैं बलराम को बना रहा हूँ। देखो, राम का जो फेस स्ट्रक्चर है वो लगभग जगन्नाथ के जैसा ही होगा, खाली आईज एंड डिटेलिंग में थोड़ा डिफरेंस होगा। और लॉर्ड जगन्नाथ जल्दी आ रहा है, यानी कि रथ यात्रा जल्दी आ रहा है, रथ यात्रा के लिए ही मैं ये ड्राइंग बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने थोड़ा टाइम देके ड्राइंग को बना रहा हूँ, और गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है गाइस, इसीलिए मैं ज़्यादा ड्राइंग नहीं कर रहा हूँ। अभी चैनल में आपको खाली ब्रांड नेम का वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। ड्राइंग में थोड़ा कम ही कर रहा हूँ, और जो मैंने ड्राइंग किया था उसका शॉर्ट्स डाला था, अभी मैं लॉन्ग वीडियो एडिट कर करके डाल रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो, चैनल में सब वीडियो आपको मिल जाएगा। और ब्रांड नेम का भी मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, या लोगो मेकिंग करता हूँ, ठीक है। वो मेरा नया वीडियो आ रहा है जल्दी जल्दी, तो ड्राइंग का भी वीडियो आएगा। तो अभी गाइस देखो, ऊपर वाला जो पोर्शन मैंने आपको बताया था वहाँ पे मैं मंदिर को बना रहा हूँ, ठीक है, पूरी का जो मंदिर है, ठीक है, एकदम बड़ा वाला मंदिर, उसके बाद छोटा वाला मंदिर, जैसे मंदिर का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो ये मैं बना रहा हूँ,
तो मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो मैं खुद से बना रहा हूँ। एक ड्राइंग मैंने देखा था, ठीक है, ये सॉरी ड्राइंग नहीं, एक पिक्चर मैंने देखा था, एग्जैक्टली वही पिक्चर से मैं बना रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा ज़्यादा डिटेलिंग मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये वाटर कलर ड्राइंग है, ज़्यादा डिटेलिंग अच्छा नहीं लगेगा। पेंसिल को जितना कम यूज़ करोगे उतना अच्छा रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं वही कर रहा हूँ धीरे धीरे करके, डिटेलिंग धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग चल रहा, उतना डिटेल में नहीं कर रहा हूँ मैं, अब देख ही सकते हो। तो गाइस मेरा ड्राइंग लगभग हो ही चुका है, अभी नीचे में थोड़ा लिप्स वगैरह हरियाली वगैरह कर दूंगा, ठीक है, और ऊपर एक सन भी बना दूंगा, ठीक है। मेरा ड्राइंग हो ही चुका है लगभग। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे को कमेंट में बताना, और मुझसे कुछ गलती हो गया तो भी आपको मेरे कमेंट में बताना। अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये देखो ये ड्राइंग है,